Anil, firstly, good to see you, and very good to see you back in police uniform after in a serious role. Yeah, yeah. Tell us something. I believe that police uniform suits you. I also think so. मैंने जब FIR देखा था तब मुझे ऐसा लगता था कि ये वर्दी काफी सूट कर गया कि गुड चॉइस ऐसे थैंक यू ऐसे किरदार रहते हैं हमारे इंडस्ट्री हाँ. में जिसके ऊपर पुलिस वर्दी सूट करती है जी जैसे मुझे अमिताभ बच्चन जी लगते हैं अरे ही इज नहीं ऐसे कंपेयर मत करो मैं ऐसा वो छोटा सा पानी कहीं देखे डूब जाऊंगा उसके अंदर ये मेरी फीलिंग है स्वीट ऑफ यू हां या मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्दी उनके लिए बनी है ऐसी लगती है आप अगर कुछ बताना चाहोगे कुछ दिनों में हम देखने वाले फिर से जी जी इन दिस टाइम विद अ सीरियस रोल या टेल अस समथिंग अबाउट इट सो अगर मैं इस सीरियस रोल में अप्रिशिएट हो गया ना देन आई थिंक इट विल बी अ बिग अचीवमेंट आई टेल यू व्हाई बिकॉज FIR वाज अ वेरी फनी शो एंड लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड मी इन द शो एंड उसका स्टैम्प अब तक है मेरे लोग के ध्यान में दे स्टिल टॉक मी अबाउट FIR ख़त्म में मुझे लगता है 6-7 साल के ऊपर हो गए लेकिन आज तक पीपल रिमेंबर आई थिंक कुछ तो वायरल हुआ है कहीं पर बिकॉज सडनली लास्ट 1 ईयर एवरीबडी कैन कीप आस्किंग मी अबाउट FIR विद द जेन जी क्राउड आई थिंक कहीं तो यूट्यूब में कहीं तो वायरल हुआ है वे पीपल आर वॉचिंग इट yeah so serious role actually I've been waiting to do a serious cop role for a long time because mujhe bhi lagta hai uniform mein mujhe thoda acha lagta hai kuch to I feel maybe powerful or I don't know I feel something nice whenever I wear uniform because or maybe mujhe aadat hai 4-5 saal uniform pehne ki to main ek hota na ek comfortable ho jata hai insaan ke it doesn't feel ke tum kahin kuch alag kar rahe ho it feels a part of you सो सीरियस रोल के लिए बट मुझे बहुत ही सोच समझ के करना था कि मैं किसके हाथ कर रहा हूँ बिकॉज ये भी चांस था कि लोग देखें और हंसे एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग जब सीरियस रोल में लोग हंसना स्टार्ट करते हैं सो आई हैड टू ट्रस्ट समवन हुम आई अ मेकर हुम आई कैन ट्रस्ट कम्प्लीटली एंड सुपर्ण वर्मा इज समबडी हुम आई मीन ही इज अमेजिंग ही इज डन फैमिली मैन ही इज डन राणा नायडू ही इज डन बंदा So when he came up with his vision and he told me he wanted to cast me as a cop, what was your response? यार मैं सच्ची बोलूँ ना तो मुझे मैं टेस्ट के लिए इन्होंने ना एक बड़ी हाँ मैं मुझे बड़ी एजेंसी ने बुलाया दे लाइक वी वॉन्ट टू कास्ट यू फॉर दिस बट वी वॉन्ट टेस्ट यू ऑल्सो तो हमने ओके आई डू इट अच्छा यूनिफॉर्म में नहीं विदाउट यूनिफॉर्म में अच्छा ठीक है तो मैंने गया मतलब मेकअप होने बोले पता नहीं अब तक कंफर्म नहीं हुआ मतलब एक महीने बाद शो स्टार्ट हो रहा है और आप आपको मेकर नहीं पता तो जैसे नहीं तो मुझे छुपा रहे थे वो लोग तो जब मैंने वो मॉक शूट किया दिन में एंड देन रात को मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आया और उनके बात करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है थोड़ा मतलब थोड़ा जो लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकता बट सुपर्ण इज़ लाइक दैट इज़ अ लवली पर्सन वो अपने दिल में कुछ नहीं रखता पर वो बात ऐसे करता है वी आर डूइंग द शो टुगेदर या ही टोल्ड मी एट नाइट आई एम लाइक बताया क्यों नहीं मुझे इज लाइक नहीं मैं बताया नहीं क्योंकि मुझे चाहता था मैं ऑर्गेनिकली हो इफ़ यू फिट द बिल देन यू गेट द रोल अगर तुझे पता होता मैं डायरेक्टर हूँ तो तू मुझे फ़ोन करता पुश करता मैं ऑकवर्ड हो जाता मैं अपसेट हो गया यार तू दोस्त है मुझे बताया नहीं बड़े नहीं आई वॉज हैप्पी ऑल्सो दैट आई गॉट दिस शो ऑन माई मेरिट्स कम्प्लीटली मैंने पहली बार जब वर्दी पहना था मैं मुझे अब तक याद है मेरा डायरेक्टर शशांक बाली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन डायरेक्टर्स आई जस्ट होप वो कुछ अच्छा फिल्में बनाए या ओटीटी बनाए बिकॉज ही इज़ आउटस्टैंडिंग तो उन्होंने सबसे पहले ऐसा सीन दिया जहाँ मेरी मजाक उड़ाई जा रही है जहाँ सेकेंड सीन दिया जब मैं केले पे छिलके पे फिसल के गिर रहा हूँ एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डूइंग दैट इज बिकॉज मेरे जो इनहिबिशंस थे मैं आ रहा था जहाँ मैं सिर्फ हीरो प्ले करता था मैं राजश्री के शोज़ में राम था रहने वाली महलों की मैं नजबली जीत के आया था मैं मेरा एक बैगेज था एक टेलीविजन पे एक हीरोइज्म का जो मैं
तब तक वही करता आ रहा था, तो वो तोड़ने के लिए उन्होंने मुझे इतने अलग अलग से सीन कराए कि मेरा पूरा, मैं पहले बोला भी बहुत हेल एम आई डूइंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, मेरे दिमाग में सब चीज़ आई, मगर आई जस्ट ट्रस्टेड हिम एंड देन ही जस्ट, आई थिंक मेरा कॉमेडी में आई गिव ऑल थैंक्स टू हिम दैट ही जस्ट ओपन मी अप. जब आप एक ढक्कन खोल देते हो ना, देन वो हवा जो आती है वहाँ से, बस मैं वो हवा था, बट द लिड खोलने का काम वो डायरेक्टर ने किया था शशांक बाली ने. ट्रायल के लिए जब पहली बार तो कितनी मेमोरीज फिर से रिकलेक्ट हुई है? नहीं हुई, नहीं मैंने नहीं किया, बिकॉज मैं उस जोन में जा ही नहीं रहा था. ओके. मैं प्रदीप शिंदे प्ले कर रहा हूँ जो कि एक बहुत ही सीरियस पुलिस ऑफिसर है. हर किसी की कमज़ोरी होती, तो इसकी भी कमज़ोरी है जो आपको शो में मालूम पड़ेगा, मगर ही इज़ अ वेरी सीरियस कॉप एंड ही इज़ देयर टू डू हिज जॉब. एंड अगर बिल्कुल FIR की मैं कुछ भी कंपैरिजन यहाँ लाता, देन आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल. आई होप जब आप मुझे देखो, आप बहुत जल्द देखने वाले हो, या एंड जब आप देखो शो, जब आप आई थिंक शो के बाद देखो रिवील मी मोर. Why? I think it's because of FIR only, I feel. Yes. Once they see me in a certain role, then they'll understand ki mere saath mujhe kyun baad mein rakha gaya, because we don't want laughs for this guy. Yes. We want, it's a serious role. So when you see it, you'll know. Yes. Any common thing that you have find in both the characters? I know it's a serious role. Only common thing is me. Okay. Only you and the worthy. Yeah. There's nothing else common in the whole. Okay, so coming back to the trailer, मैंने जिस तरह trailer देखा, आपका मुझे कई हद तक ऐसा लगा कि surprise element होने वाला है. जी जी. आप अगर कुछ बताना चाहोगे trailer को देखने के बाद? काफी सारी बातें आती है, एक किरदार है, जितने सारे shades है उस किरदार के, आप अगर कुछ बताना चाहो, how the script came to you about the किरदार and everything. See, he's a very, as I said earlier, बहुत serious cop है. नो बुलशिट, बट उसकी एक वीकनेस है, और वो वीकनेस की वजह से उसको लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा है. एंड दिस शोज अबाउट इमोशंस, तो हर किसी के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खेला जा रहा है. सो व्हेन यू सी द शो, व्हेन यू सी मी इन द शो, यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम देयर इन द शो एंड व्हाट पर्पस आई गेट इन द शो. शी इज अ स्वीटहार्ट. आई थिंक थैंक्स टू सुपर्ण वर्मा कि उन्होंने इस किस्म का एटमॉस्फियर क्रिएट कर दिया सेट पर, कि लोग सिर्फ मतलब दे वर हैविंग फन एंड दे वर शूटिंग इवन इन अ सीरियस सीन. आई फील, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मूड ठीक हो ना, तो आप इमोशंस भी कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आप सीरियस कर रहे हो तो मतलब आप अपने आप को मारो और बिल्कुल सबसे झगड़ा करके बैठ जाओ. Basically, the atmosphere has to be nice. As an actor, you are prepared what you have to do. Magar ek set ka atmosphere acha hota hai na, to performance bhi aate hai. So, all thanks to Suparn Verma. I think usne atmosphere itna chilled kar rakha tha that Kajol also was so sweet on the set. And she's Kajol. Kajol ma'am. You know, Kaya. She's Dilwale Dulhania. Kabhi nahi bolna kisi actor ko, actress ko, ke main तुम्हें देखकर बड़ा या बड़ी भी हूँ. थैंक गॉड मैंने यार नहीं, अच्छा नहीं लगता. मैंने एक बार गलती की थी माधुरी दीक्षित मैम को बोलकर कि मैं आई हैव ग्रोन अप लुकिंग एट मूवीज, एंड उनका रिएक्शन ऐसे था. एंड कोई बाद में अगर कोई मुझे भी बोल सकता ही. पर अगर आपको कोई आके बोला तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? थैंक यू बोलूंगा. योर रिएक्शन इज सो गुड. थैंक यू बोलूंगा. बट आई थिंक वुमेन का रिएक्शन थोड़ा अलग हो सकता है. नहीं, मैन का भी हो सकता है. But I think you have to age gracefully, like the way Kajol ma'am, she's so looking so pretty. When aap unko personally miloge na, she's still young at heart, and she's so funny and she's so lively. Like unko dekh ke lagta nahi ki unki film kuch 20-25 saal pehle aayi thi or something. She's so cool. So I think it happens when you have a grown up child, mujhe aisa lagta hai, and you're chilling with them. So that chill inside them rubs on to you, because they're the Gen Zs, and when you're chilling with them and when you're friends with them, so apne aap bhi thode relax rehte ho, and I saw that fun and calmness in her. Anything that specific that you love about her, any one quality? Her energy and her
I'm sure she can be very strict as well. मैंने वो नहीं देखा है वो साइड उनका. No, no. She's just been very, very sweet and very, very, very warm. Her energy is amazing. You have played like funny side and the serious side. Mm. Which is your favorite and why? I like both. Because you know क्या होता है बाबा, और मैं diplomatic answer नहीं दे रहा हूँ. मैं बोल सकता था serious क्योंकि मेरा show release हो रहा है. राइट, वेरी कन्वीनियंटली. लेकिन नहीं, आई मैंने कॉमेडी करके इतना सीखा है ना, आई थिंक इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर. आप किसी भी एक्टर को पूछोगे ना, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज कॉमेडी, बिकॉज आपको लोगों को हंसाना है. सो एंड वो हंसाने में मैंने काफ़ी सीख लिया. इट इम्प्रूव मी एज एन एक्टर, आई फील. एंड दिस शो व्हाट आई लव इज इट जस्ट हैज दैट इम्पैक्ट, दैट सटल हीरोइज्म. दैट मतलब ये ऐसा शो नहीं है जहाँ के मार धाड़ करके ये वो हो रहा है, मगर इट हैज़ अ सटल स्ट्रेंथ विच अ कॉप हैज़. बजरंग पांडे में ऐसा कोई स्ट्रेंथ नहीं था, वो फट्टू था. हाँ, वो चूहा देके भागने वाला बंदा था. ये आदमी में वो हीरोइज्म है, वो स्ट्रेंथ है. सो आई लव द वे द डायरेक्टर्स पोर्ट्रेड प्रदीप शिंदे. I have named three people, my favorite cops in this industry. Bro, tell us embarrassing. Your favorite cop in this industry. You named it right, bro. दो मैं बोल सकता हूँ, तीसरा मैं अपने आप का नाम नहीं लूँगा, मैं embarrass हो जाता हूँ. But yeah, Bachchan साहब. All time, right from Zanjeer to अब वो तो मेरे इतने favorite है, वो कुछ भी करेंगे मुझे अच्छा लगता है. वो तो सबकी favorite. Yeah, yeah. You forgetting the third one. मैं तीसरा बोलूँगा आपको. Second is of course Ajay Devgan Singham. वी लव हिम. आई मीन आ रही है, मतलब मैं तो पहले दिन जाऊँगा देखने के लिए. एंड थर्ड, हाउ कैन यू फॉरगेट चुलबुल पांडे. राइट, या द थर्ड इज द बेस्ट. बट द थर्ड वन इज यू एंड फोर्थ वन इज ही मेरे लिस्ट पे. अरे भाई मुझे एंबैरस कर रहे हो. फॉर मी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, FIR आई हैव सीन सो मेनी एपिसोड. जी जी जी. आज भी मुझे एक डायलॉग है उसका काफी, पराठे में होता है आलू, वो जो डायलॉग था काफी कॉमन था और मुझे आज भी वो पसंद आता है. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा. और इतना बड़ा शो करके यू हैव प्लेड सो मेनी लाइक इतने सारे एपिसोड, जी जी, तो ये फेवरेट रह जाता है. आई नो, थैंक यू. आई एम टेलिंग यू ना, समथिंग अबाउट द शो इज दैट कोई कोई शो ना कभी मरते नहीं, खत्म हो जाते लेकिन मरते नहीं. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द शो. वो एक रहता है कि मेरे लाइफ में ये किरदार रहेगा जो हमेशा और मैं बहुत चूजी रहा हूँ. इफ यू रियलाइज मेरे करियर में मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया. टेलीविजन पे मैंने नॉन स्टॉप काम किया, मगर मैं OTT पे ना, जब OTT की शुरुआत हुई थी तो मुझे OTT शोज मिल रहे थे लेकिन बहुत ही टिपिकल मिलते थे. लाइक मैं नाम नहीं लूँगा या कुछ नहीं करूँगा, बहुत TV बेस्ड OTT मिलते थे. ओके. एंड आई डिसाइडेड कि मुझे वो नहीं करना है. मुझे अगर मैं OTT आया हूँ, मैं आया हूँ तो मैं आई वॉन्ट टू डू दोज हार्ड कॉर शोज विच आई लव वॉचिंग ऑन OTT. सो मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी कन्विंस किया लोगों को कि मैं ऐसे भी लग सकता हूँ. बिकॉज ऑफ माई TV इमेज सबको लगता है कि ये हीरो ही कर सकता है, ये ऐसे ही करता है. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फॉरगेट दैट इमेज एंड टेक मी एज अ नॉर्मल पर्सन. एंड OTT इज ऑल अबाउट नॉर्मल पीपल. इट्स वेरी रियल. सो इट वॉज अ लॉन्ग ब्रेक बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन. एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड वन थिंग, अगर आप मेरा 15 साल पुराना इंटरव्यू भी देखोगे जब मैंने TV की शुरुआत की थी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि पर्दे का मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, द पर्दे का साइज़ डजंट मैटर. और वो आज जाके सच हो रहा है जब सारे बड़े स्टार्स OTT पर आ रहे, TV पे भी नहीं मोबाइल पे आ रहे. राइट, पर्दा छोटा हो गया बट ये जो क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वालिटी काफ़ी हाई है. सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर अच्छा हो ना तो बड़ा पर्दा या छोटा पर्दा डज नॉट मैटर, द प्रोडक्ट विल डू गुड. जी, हाउ डू यू सी OTT प्लेटफॉर्म नेक्स्ट 5 इयर्स? यार मैं तो 5 साल पहले OTT देखना भी स्टार्ट नहीं किया था. मुझे अब तक याद है मेरी शोल्डर की सर्जरी हुई थी, किसी को पता नहीं तब मैंने देखना स्टार्ट किया था. हाँ, से 4 साल पहले ही. सबसे पहला शो कौन सा? मैंने सबसे पहला शो देखा था ब्रेकिंग बैड. ओके, अमेजिंग शो. 5 सीजन का था
एंड दैट्स व्हेन आई गॉट हुक्ड ऑन कि यार ये ओटीटी तो बड़ा इनका कंटेंट तो माइंड ब्लोइंग है. उससे पहले तो फिल्में और टीवी देखते थे, मतलब टीवी इतना देखने का टाइम नहीं मिलता था बिकॉज जब आप टीवी करते भी हो तो आप बिजी हो काम करने में. या नहीं, मैंने 14-15 घंटा कभी नहीं किया है. बट देन टू इफ वी काउंट लाइक जब हम घर से निकलते हाँ तब हो जाता है, हो जाता है ट्रैवल करके 14 घंटे तो हो जाते हैं. या सो टाइम ही नहीं मिलता था ना ब्रो. तो जब मैंने बट अभी आज के ज़माने में आई थिंक कंटेंट ऑन ओटीटी इज मच मोर सुपीरियर देन इन फिल्म. राइट. एंड हाउ डू यू फाइंड कोई ऐसा शो जो आपने ओटीटी में देखा हो और आप करने का? बहुत सारे शोज है यार, बहुत सारे शो. कोई ऐसा दो इंग्लिश शोज बोल सकता हूँ? हिंदी शो, हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी शो ही रहेगी. अभी जो रिलीज हुई स्कूप, आउटस्टैंडिंग. कौन सा किरदार उसमें? हाँ, कौन सा किरदार? आई थिंक दो बहुत अच्छे थे. एक था किसका? राजन. राजन कौन? हरमन? नहीं, द कॉल, द राजन का कॉल आता. नहीं. आई लाइक हरमन्स रोल, द कॉप्स रोल, एंड एडिटर्स रोल. हरमन का तो आपके मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. ही इज डन अ सच अ गुड, ही इज डन सच अ गुड जॉब. या इज अ कॉप और द एडिटर, दिस इज द वन. या एंड एक रोल जो मैं इतना पुल ऑफ नहीं कर सकता लेकिन मुझे देखने में बड़ा मजा आया. इट्स नॉट अ वेरी, आई मीन पीपल आर लविंग इट बट लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं गालियां बहुत थी, बट आई लव राणा नायडू. ओके, लव्ड इट. एक अलग टेक था. मतलब इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट शो, कोई बोलेगा नहीं यार वो देखो, लेकिन देखे सब ने बिकॉज. बट उसमें जो वेंकटेश ने काम किया है ना, मैं सच्ची बोलूँ मैं नहीं कर सकता. जो फ्लो से उन्होंने गाली दी है, मैं हाँ जो फ्लो से वेंकटेश साहब ने गाली दी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन लाइक हिम आई फील, जो हमेशा गुड बॉय इमेज प्ले की है साउथ में. ही इज़ ऑलवेज बीन अ नाइस, ही इज़ ऑलवेज प्लेड दिस नाइस रोल. Hats off to the makers to cast him and hats off to him to. And also the Hyderabadi touch. Bro, मैं तो उनको देखने के लिए रुकता था, कभी आएंगे हाँ, जैसे वो मैं बैठता था. I loved him so much. Amit, lastly, apart from this show, anything coming up next year? Yeah, I'm doing couple of OTT shows. I've shot for both of them. इस साल दोनों release हो जाएंगे. Inshallah. Tell us a short message for the trial. Yeah, trial releasing on 14th of July. It's releasing on Hotstar. You'll see me in a very interesting character. Please watch it. If not for me, for Kajol ma'am. She's lovely. But also for me. Yes, and I am definitely gonna watch it for you. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you.